नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। और आज की बात में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा जो होने में अब चंद ही दिन बाकी हैं, लेकिन इन कम दिनों में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। भाजपा ने सरकार पर ढाई साल को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। प्रदेशव्यापी महाअभियान चलाकर बीजेपी नेता अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, घर घर जाकर सरकार की नाकामियां बता रहे हैं। मैदान में कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ उतर चुकी है। रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विकास की स्थिति पर सरकार पर सवाल खड़े किए। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद सरकार का नारा था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन अब सरकार के ढाई साल के बाद जनता का ये कहना है कि वक्त है पछताव का। भाजपा के ये भी कहना है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस भी हालांकि कहां पीछे रहने वाली थी। विपक्ष के आरोपों का जवाब लगातार दे रही है, साथ ही सरकार के ढाई साल की उपलब्धियां और विकास की तस्वीर को सामने रख रही है। नारा दिया था कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का, ढाई साल में ही जनता कहने लगी है अब ये वक्त है पछतावे का। 2500 रुपया समर्थन मूल्य देश में पहली बार होगा कि धान बेचने के बाद एक एक साल तक पेमेंट नहीं होता, और वो भी आधा अधूरा पेमेंट इस साल के अंत में होता है, अधूरा पेमेंट हुआ, उसमें से 450 करोड़ काट लिया गया वादे के अनुसार। ये भूपेश जी का वादा रहा। अभी एक सप्ताह वो गांवों में जाकर के सरकार की असफलताओं का ढिंढोरा पिटेंगे, ऐसा वो भाजपा का कार्यक्रम है। लेकिन जब जनता पूछेगी कि आपने डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में किसानों से लगातार झूठ क्यों बोला था, आपने 270 रुपया देने का वायदा किया था, आपने 300 रुपया बोनस का वायदा किया था, आपने 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने का वायदा किया था, तो जनता को आपने धोखा क्यों दिया, तो इसका उत्तर डॉक्टर रमन सिंह जी के पास नहीं है। और आइए इस पर हम चर्चा के लिए अपने खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि सरकार के ढाई साल पूरे होने वाले हैं, चंद दिन ही बाकी हैं, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है छत्तीसगढ़ में, सरकार के खिलाफ काफी मुखर है और एक तरह का जन आंदोलन शुरू करने की कवायद शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, घर घर जाकर लोगों को सरकार की नाकामियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के मंत्री, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार जनहित के काम कर रही है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव, हैं कांग्रेस नेता हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत। ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अमित जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? अमित जी से अभी संपर्क हमारा टूट गया है, जल्दी ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासी घमासान जो है वो लगातार तेज हो चला है। भूपेश सरकार के ढाई साल के कार्यकाल को लेकर जो है आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत। जी शुक्रिया अविनाश जी। ये जो ढाई साल का कार्यकाल पूरा हुआ है भूपेश सरकार का, इसको लेकर जिस तरह से एक जन आंदोलन सा खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नाकामियां बता रही है, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी सरकार आई है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसका रीजन भी मैं आपको सिलेवार बताऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 दिनों का समय कहा था और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 2 महीने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी, अब मैं आपको बताऊं कि अगर 17,82,000 किसानों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए माफ होता है, बीजेपी के पेट में तकलीफ होना यहीं से चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2003, 8 और 13 जो भी वादे करके बीजेपी के लोग आए थे, उन्होंने पूरा नहीं किए। मैं उनका एक घोषणा पत्र लेके आया हूं, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, 2013 का।
2100 रुपए प्रति समर्थन मूल्य देंगे के वादा किया था, नहीं दिया। 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था, नहीं दिया। किसानों का ब्याज ऋण मुक्त देने का वादा किया था, नहीं दिया। अब जब हमारी सरकार आती है इस प्रदेश में, लगातार मैं आपको बता दूं कि हर साल किस धान खरीदी का रिकॉर्ड, और ये इन्होंने जो प्रश्न किया कि 2.5 साल में हमने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है बड़े विनम्रतापूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये डिबेट का समय बहुत कम पड़ जाएगा अगर मैं पूरी उपलब्धियां सिलेवार आंकड़े सहित आपको अगर बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े मैं बताना जरूर चाहूंगा। पहले साल 80 लाख मेट्रिक टन धान, सेकेंड टर्म में 82 लाख मेट्रिक टन धान, और इस साल लगभग 92 लाख मेट्रिक टन धान, और 3 लाख किसान हमारे इस साल बढ़ गए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में वो मुख्यमंत्री जी सॉरी हमारी सरकार आई है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता के बाद जो बदलाव के जो शानदार परिणाम आए हैं, बीजेपी के नेता उससे घबराए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि लगातार अच्छे दिनों का वादा करके ये जो सरकार बैठी है केंद्र में, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, और इनकी नाकामी जिस प्रकार से आप सभी के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार इनकी किरकिरी हो रही है, उस छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार आके आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक आंकड़े लेके मेरे साथ इनके प्रवक्ता को बैठाइए, मैं सिलेवार बताऊंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं आपके लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, आंकड़ों की बाजी करी तो एक बात है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, वो भी कई तरह के आंकड़े आपको बता देंगे, लेकिन कई चीजें हैं जो, जैसे शराबबंदी का मुद्दा है, शराब जो है वो ऑनलाइन बिक रही है छत्तीसगढ़ में, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है, और आरोप के बदले में पलटवार करना ये तो एक खैर सियासी जो है जरूरत है, या कहना चाहिए कि ये होता ही है सियासत में, लेकिन ऐसी कोई खास बात आप 2.5 साल में कह सकते हैं कि ये हमारी उपलब्धि रही है और जनता जो है वो हमारे इन 2.5 साल को देखकर और जो पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल रहे हैं उनको उनमें तुलना करें, तो आप ऐसी क्या बड़ी खूबी बता सकते हैं जो आप 2.5 साल में कर पाए और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर पाई? देखिए, लगातार चौमुखी विकास को आधार मान के, विकास को आधार मान के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं क्योंकि हमारे स्टेट एक आदिवासी स्टेट है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि लगभग 44% वनांचल से हमारा क्षेत्र घिरा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में वनोपज की खरीदी जो है वो नया मतलब 7 से बढ़कर हमने 42 लघुपज वनोपज हमने खरीदी करी, और जिससे एक नई क्रांति उस पूरे क्षेत्र में आई है, हमारे छत्तीसगढ़ में आई है। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार हमने घोषणा पत्र में वादा किया था तेंदुपत्ता संग्रहण का जो समर्थन मूल्य है, हमने 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रतीक मानक बोरा हमने किया। वनांचल में स्व सहायता समूह के माध्यम से कई हजार रोजगार वहां पर हो गए। बस्तर में जिस प्रकार से टाटा स्टील प्लांट की लगभग 1707 आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस करी, उसी प्रकार 462 थानों में हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से और विकास के माध्यम से वहां पर कई सारे टावर लोगों की कनेक्टिविटी के लिए हमने कई स्कूल खोले। 123 स्कूल अभी स्वामी आत्माराम जी के नाम से हमने जो किया है, लगातार चौमुखी विकास हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर मनरेगा में आपने देखेंगे, देश में सेकेंड नंबर अगर छत्तीसगढ़ आया है, तो लगभग हमने 26 लाख परिवारों को आपके पास लौट लूंगा। अमित जी, बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत। जैसा अभी अमित जी से मैं बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि सरकार ने जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए और वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। यदि सरकार को लेकर किसी किस्म का कोई असंतोष है नहीं जनता के बीच, और सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है जनता के लिए, तो 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है लगभग 21 वर्षों का और 74 वर्षों के पहले 2-2.5 वर्षों के अंदर में जो सबसे असफल सरकार रही है उसमें भूपेश बघेल सरकार का नाम दर्ज हो गया है, जिन्होंने आम जनता का विश्वास खोया है। बहुत सारी बातें हो रही थी, एक एक बातों का यदि जवाब दूंगा तो मुझे लगता है कि काफी समय लगेगा। आज कांग्रेस पार्टी को यह लगता था कि
तीन बार ये 15 वर्षों से सरकार से बाहर रहे, चौथी बार जब कांग्रेस को ये लगा, ये भी एक टूल किट का हिस्सा था, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं कि टूल किट का हिस्सा जी, कि चौथी बार उनको लगा कि शायद चौथी बार भी ये सरकार में नहीं आ पाएंगे, 20 वर्ष फिर से ये बाहर रहेंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्ति की ओर जाएगी जैसे केंद्र में हो रही है, इसलिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत टूल किट के माध्यम से कि हर एक वादा, चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, चाहे 2500 रुपए रोजगार भत्ता देने का वादा हो, चाहे स्वसहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने का वादा हो, ऐसे चाहे गरीबों को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में इन्होंने कहा था कि हम निःशुल्क भूमि देंगे, चाहे शहरी आवास नगर निगम के चुनाव, आपको याद होगा बहुत चर्चा हुई आपके अभी कि पट्टा देके, 1.5 साल से पट्टे की बात नहीं हो रही है, ये तमाम प्रकार के वादे की एन केंद्र प्रकरण सरकार बनाना है, मुद्दे जितने हैं बोल दो कि हां देंगे, और लगभग ये सभी मुद्दे जो मैंने आपको गिनाया एक भी मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। इन 2.5 वर्षों के अंदर में हम नहीं, पूरा प्रदेश इसको कह रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि सरकार कैसी, हम बड़े विश्वास के साथ, संजय जी वर्षों के अंदर एक मिनट, हम तो जवाब विपक्ष होने के नाते कि आपने शराबबंदी की बात की, मान लीजिए शराबबंदी का अर्थ यही होता ना कि शराब बंद करें, कि शराबबंदी का एक नया अर्थ तो नहीं होता है कि राजीव भवन में कि नहीं शराब को प्रमोट करना है, शायद हम नहीं समझ पाए 15 साल सरकार रही, संजय जी आपकी भी सरकार 15 साल रही, तो तब क्यों आपने शराबबंदी नहीं कर दी, तब भी आप इस तरह के कदम उठा सकते थे, तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए। और दूसरी बात यह रही कि आखिर यदि आप सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर उंगली उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पुराने 15 सालों की उपलब्धियों को भी गिनाते ही हैं कि हमने 15 साल में जो किया वो भूपेश सरकार जो है वो नहीं कर पाई उसकी सत्ता में आने पर, तो 15 साल में यदि आपने बहुत कुछ जो है चौतरफा विकास छत्तीसगढ़ का किया था, जनहित के कार्य किए थे, तो क्या वजह रही कि इतनी बुरी पराजय का सामना आपको करना पड़ा जी। और दूसरी बात यह है कि आप 15 साल सरकार में रहे तो शराबबंदी जैसी चीजें, ये सब आपके हाथ में सब कुछ था, आपकी सरकार थी, आप कर सकते थे जी। देखिए बहुत सरल सा जवाब है, यदि आप समय देंगे 2-3 घंटे का तो मैं 15 साल की उपलब्धि आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से प्रारंभ करके वर्ष 2018 तक हमने 15 वर्षों में क्या किया, तो मुझे लगता है कि 15 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को 2.5 वर्ष में अपनी उपलब्धि बताने में केवल 2.5 मिनट का समय लगता है, 2.5 से 3 मिनट ये अपनी उपलब्धि को नहीं बता पाते हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि 15 वर्ष के बाद आप इतना पराजित क्यों हो गए, देखिए देश में लोकतंत्र है, देश की आजादी के बाद 75 वर्षों में सरकारें आती, सरकारें जाती हैं, सरकार बदलने का कारण ये नहीं कि हम अच्छा करें तो हम 50 साल तक हम सरकार में रहे, देखिए लोकतंत्र में विषय बदलता है, अन्य लोगों को भी मौका दिया जाता है, तो हिंदुस्तान है, और मैं फिर से उसी पर फोकस कर रहा हूं कि तमाम जो वादे जो मैंने जहां से अपनी बातों को प्रारंभ किया उन वादों के कारण ही तो हम धोखा खा गए और जनता धोखा गई, हम क्या खाए, जनता धोखा खा गई कि हम शराब, मैं यही सवाल तो कर रहा हूं जो आपने कहा, कारण यही है कि उन्होंने घोषणा पत्र में सब कुछ कह दिया कि हम सब कुछ कर देंगे, आम जनता है, आम जनता चाहती कि एक आध बार मौका दे दिया जाए, लेकिन अब वो विश्वासघात जो हुआ है उससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जिन वादों को मैं तो घोषणा पत्र से बाहर भी नहीं जा रहा हूं, अलग चीजें तो बातें छोड़ दीजिए कि रायपुर शहर के अंदर में 400 सड़क नहीं बनती दिखाई दे रही है जी। ये अभी बात कर रहे थे आपने स्कूल की, केंद्र सरकार की योजना समग्र विकास योजना हमारे पैसे से, कहते हैं कि हम कर रहे हैं, अब मैं क्या क्या बताऊं, मनरेगा केंद्र का पैसा, कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यही चरित्र कांग्रेस का। और यदि 15 की बात करें, मैं नहीं जाना चाहता, मैं 60 वर्षों में भी जा सकता हूं कि 60 वर्ष पहले क्यों नहीं हुआ, और शराबबंदी बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं शराब जो बिक्री हो रही है देश के अंदर अन्य राज्यों में हो रही है, लेकिन सरकार में आने के बाद के लिए इन्होंने महिलाओं के साथ में एक विश्वासघात किया है, इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, इसलिए सवाल उठ रहा है, यदि ये नहीं कहते तो शायद हम शराबबंदी की बात ही नहीं करते कि आप शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बात तुलनात्मक नहीं, हम 15 की हम 60 की बात करेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि 60 वर्षों में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, 10 वर्ष यूपीए की सरकार में क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, योगी जी के समय क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, अभी ये कह रहे थे एक दो उपलब्धि कह रहे थे, ये कह रहे थे कि बस्तर में हमने भूमि वापस की, बहुत अच्छा किया आपने, कहीं दिक्कत नहीं, सिलगेर के मामले को भी याद करेंगे, लेकिन अब उन्होंने घोषणा करी 6 महीने पहले भूपेश बघेल जी ने कि हम 4 प्लांट लगाएंगे बस्तर में, अब 4 प्लांट से कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, अब जमीन कहां से लाएं, जमीन तो आदिवासियों की पड़ गया, संजय जमीन कैसे लौटूंगा, विजन नहीं है सरकार के पीछे में, चलिए आपके पास लौटूंगा, भी लगेंगे रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे, सब प्रकार के चौतरफा काम सरकार को करने आपके पास लौटूंगा, तात्कालिक लाभ आपके पास लौटता हूं, संजय जी आपके लिए आप कुछ करेंगे, संजय जी आपके पास लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं। नितिन चौबे हमारे साथ स्टेट हेड हमारे चैनल के हमारे साथ जुड़े हुए, नितिन जी स्वाभाविक सी बात है जब किसी राज्य में
सरकार किसी पार्टी की हो और केंद्र में पार्टी किसी और दल की सरकार हो तो उस तरह के जो है मतभेद मनभेद कह लें या विरोधाभास होते ही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कहीं कोई नाकामी की बात होती है, जब सरकार पर कोई सवाल उठाए जाते हैं तो ठीक ना केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है कि केंद्र सरकार से हमें मदद नहीं मिली, ये वजह रही। और अपने द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, सभी सरकारें करती हैं कि अपने उपलब्धियों को गिनाती हैं और कोशिश यही रहती है उन्हें कि अपनी सरकार की जो विफलताएं हैं उनको छुपा के उपलब्धियां ज्यादा बताई जाएं। यही सब कुछ हो रहा है, ढाई साल हो गए हैं भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में, और जाहिर सी बात है कि ढाई साल की उपलब्धियां जब सरकार गिना रही है तो नाकामियां गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी है। तो ये जो सवाल है कि शराबबंदी जैसा मुद्दा है, नक्सलवाद अभी वहां पर जो है खत्म नहीं हुआ, उसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो विपक्ष में कांग्रेस जो थी तो कांग्रेस उठाती थी ये सवाल, लेकिन अब कांग्रेस आ गई है तब भी नक्सल समस्या वहीं की वहीं है। तो समस्याएं एक नहीं है, कई हैं, और दोनों की सरकारें जनता ने देख ली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ और अब कांग्रेस की सरकार है तो वो उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। अब लेकिन अब ये जो ढाई साल को लेकर के जो ये बयानों का दौर दौरा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अविनाश जी बताना चाहूंगा कि ढाई साल जो अगर हम आकलन लें, भूपेश सरकार आई, अब काम करने का समय देखिए, कोरोना काल को काउंट करना पड़ेगा, निकाय चुनाव, सेंट्रल के चुनाव, सारे चुनाव और आचार संहिताओं को देखते हुए जितने काम हो पाए, जिनके एनालिसिस अभी ढाई साल में भूपेश सरकार करने जा रही है, हम उस पर बात करेंगे तो विपक्ष को कई मौके मिले हैं, खास करके जो किसानों से रिलेटेड मुद्दे थे, चाहे महंगाई हो और शराबबंदी हो, जिन मुद्दों को लेकर जिस हिसाब से आंकड़ा पेश किया, कल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बोला 439 किसान पिछले ढाई सालों खत्म हुए, आत्महत्या की है जिन्होंने, इस तरह के आंकड़ों को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप। अगर महंगाई की बात करें तो कल ब्रजमोहन जी का आंकड़ा आता है कि उनका कहना होता है कि राज्य सरकार वैट कम करे क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट पे है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूरी है, लेकिन ढाई सालों में जो काम के एनालिसिस को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि राजनीति है ये तो होगा ही, लेकिन देखना यह होगा कि क्या राज्य की कितनी जिम्मेदारी है, उसमें कितने सफल हो पाए। और अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, संजय जी जैसा कह रहे थे कि शराबबंदी पूरी नहीं हो पाई, तो अगर कमेटी बनी है तो उसमें बीजेपी क्यों नहीं शामिल है, शराबबंदी को लेकर बीजेपी के विधायक क्यों नहीं शामिल है, ये प्रश्न इसके ऊपर भी उठता है। महंगाई बढ़ी है, अगर ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि वैट कम करें तो केंद्र के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो इनके वरिष्ठ नेता जाके बात करते हैं। और ढाई सालों में कोरोना महामारी के साथ जो डेवलपमेंट के काम है उनको लेकर अगर सवाल उठता है तो इसमें जो एनालिसिस था भूपेश सरकार के, हम एनालिसिस की बात करेंगे अविनाश जी, तो उनका था एग्रीकल्चर बेस, नरवा गरवा भुरवा बाड़ी, जिसको लेकर उनका यह था कि रूरल इकोनॉमी अगर मजबूत होती है तो बट ऑब्वियस मार्केट में पैसा आएगा और हम आदमी एक अच्छी इकोनॉमी को देख पाएगा। इस फिलॉसफी को लेकर जब चले तो नरवा गुरुआ वाड़ी धरातल पे कितनी प्रैक्टिकल सक्सेस हो पाई और मार्केट में कितना ढाई साल में उसका इफेक्ट आ पाया, ये तो एनालिसिस का विषय ही होगा। लेकिन राजनीतिक आरोप ढाई साल का एनालिसिस ये जरूर देखता होगा कि अगर कुछ काम नहीं हो पाए, अगर धान सड़ने के मुद्दे उठ रहे हैं, बरसात शुरू हो रही है, अधोसंरचना शेड को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो क्या पिछले 15 सालों में शेड नहीं बन पाए, ये सवाल उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उठता है। शराबबंदी अगर कांग्रेस नहीं कर पाई तो क्या कमेटी में जब तक भाजपा नहीं आएगी तब तक शराबबंदी की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, हालांकि कुछ दुकानें और कुछ जगह पर कम हुई है शराब दुकानें, ये बोला जा सकता है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी की ओर जाना संभव नहीं दिखता अगर हम अपने एनालिसिस से देखें, क्योंकि बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी संभव नहीं आती समझ। मुद्दे हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप, लेकिन समाधान कहां है? आप निश्चित तौर पे नींद निकालिए, एनालिसिस कीजिए, लेकिन जब आप एक उंगली किसी और की ओर उठाते हैं तो तीन आपकी तरफ भी बढ़ती है या दोनों राजनीतिक दल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जी जी, मैं संजय जी से पूछना चाहूंगा, अगर घर घर जाकर सवाल राज्य सरकार की उपलब्धियों पर उठेगा तो 7 साल के एनालिसिस केंद्र की सरकार के भी ऊपर उठेगा। आज आम आदमी की कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। जी, महंगाई के लिए संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मैं अविनाश जी ये पूछना चाहता हूँ, क्या कहेंगे? नितिन जी, हम इस प्रदेश के अंदर में विपक्ष में हैं और
पूरे देश के अंदर में कांग्रेस विपक्ष में है। हर एक पार्टी को अपना राजनीतिक धर्म को निभाने की आवश्यकता है, मना किसने किया, लेकिन सरकारों को बेचैन नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष को बेचैन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने फोकस किया कि जिस तरीके के वादे, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों सरकार के सामने चुनौतियां रहती कि काम करना है, काम करना है, कौन कितना करता है ये तो जनता की अदालत में हमारे डिबेट से और आपके डिबेट से नहीं होगा। हम जनता की अदालत में अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, जनता की अदालत जो फैसला करती है। अर्थात इस प्रदेश के अंदर में तीन बार जनता की अदालत ने हमको आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकाल जो पहला रहा वो ठीक नहीं रहा। अब लेकिन ये जो चौथी बार सरकार बनी, ये हो सकता है कि हमारी कोई कमियां हो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस सरकार बदलने का जो अहम कारण था, वो मुख्य कारण था कि तमाम प्रकार के जो वादे, जैसा मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, कांग्रेस के लोग माने ना माने, जिस तरीके का वादा एक होता ना, वादा कर देते हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, जिस तरीके से बच्चे को कहा जाता कि मैं ये कर दूंगा, तो ये चीजें देखिए छत्तीसगढ़ की जनता का या देश की जनता, ये भली मानस जनता है, उन्होंने विश्वास किया। अब हमारा यही कहना है कि विपक्ष होने के नाते कि ढाई वर्ष में आपने उन कामों को पूरा क्यों नहीं किया, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है देखिए आज हम इसलिए भी कर रहे हैं, आज यदि कोरोना काल को देखें, कोरोना काल में पहले दिन थे कि चिट्ठी लिखने का काम, ये वैक्सीनेशन की बात करते थे, कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, फिर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब जब केंद्र की सरकार ने फ्री वैक्सीन कर दी तो अब ये उपलब्धता पर अब चूंकि पहले फ्री का सवाल कर रहे थे, अब उपलब्धता की बात करते हैं, तो सवाल इनको खड़ा करना है और केंद्र सरकार पर चिट्ठी लिखना जो टूम किट का एक हिस्सा है, ये इस प्रकार की सरकार है करे ना। मैं तो मानता हूं विपक्ष होने के नाते और एक सक्षम नेता होने के नाते इस बात को स्वीकार करता हूं कि कोई सरकार 100% काम नहीं कर पाती, लेकिन किसी सरकार की प्रायोरिटी, अभी जैसे नितिन जी ने कहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड सरकारें या प्रदेश ऐसा नहीं चलता, आपका विजन यह होना चाहिए कि आपको सर्वत्र क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटी प्राथमिकता किसी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन आप दूसरे क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते, ट्राइबल क्षेत्र को, आप युवाओं को नहीं छोड़ सकते, आप शहरी विकास को नहीं छोड़ सकते। हमारी सरकार ने 15 साल सर्वत्र काम किया, यदि हमने किसानों का ऋण माफ किया, अमित जी को भी मौका देना चाहिए। अमित जी अविनाश जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अमित जी समय थोड़ा सा कम है, संजय जी समय थोड़ा सा कम है, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, डिबेट का समय समाप्त होने वाला है थोड़ा। अमित जी क्या कह रहे हैं, आपने सवाल तो उठा लीजिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। अमित जी बोलिए जी। अविनाश जी थोड़ा बहुत सारे प्रश्न आ गए, मैं सिलेवार जवाब देना चाहूंगा। सिलसिले बहुत जी, आप मुद्दे पे आइए सीधे। जी जी देखिए हमारा जैसा नितिन जी ने कहा, हमारी सरकार का ध्येय था कैसे हम आदिवासियों का विकास कर सके और किसानों को समृद्ध और उनको समृद्ध और कैसे खुशहाल बनाए, और उसी में हम इनके जैसे अच्छे दिनों का वादा जुमला नहीं करते, हम सच्चे दिन लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत हद तक सफल हुए। देखिए विश्वास, सेवा, जतन और आशीर्वाद के ये 2.5 साल है और विकास के नए दौर की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो गई है, और ये आंकड़े केंद्र के बता रहे हैं, और एक नया उत्साह छत्तीसगढ़ में आ गया क्योंकि हमारे पास विश्वास है, विजन है और मिशन है। और जिस प्रकार से बहुत ही सम्मानित हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे टूल किट, अरे ये वो लोग हैं जो हमारे हमारे मोनो को यूज करते हैं, फर्जी लेटर पेड को यूज करते हैं, और मैनुपुलेटेड मीडिया ग्रोह के सदस्य, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे, इनके कार्यकाल में शराबबंदी, पहले कार्यकाल में 400 करोड़ का राजस्व आता था, जाते जाते 4800 करोड़ का राजस्व आने लग गया, इनके कार्यकाल में शराबबंदी, शराब उन्होंने घोषणा हमारे कार्यकाल में 51 दुकान हमने, संजय जी ने सवाल किया था, जिस प्रकार यदि आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कहते कि हम शराबबंदी करेंगे तो कोई बात ही नहीं उठती, जब आपने वादा किया है प्रदेश की जनता से तो कदम क्यों नहीं उठाएगा। जी से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बीजेपी के जो लोग हैं आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, इनका काम ही यही है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कोई करेगा तो हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमने वादा किया है, हमने संकल्प लिया है, और हमारे लिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अभी घर पर सेवा चल रही है, चलिए चर्चा का समय। अरे आप एक 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 आदेश से नोटबंदी कराते हैं तो मोदी जी को बोल के एक आदेश से शराबबंदी देश में क्यों नहीं करा देते, घर घर शराब। ये देखिए रेट बढ़ रही है, महंगाई का ये हाल है। चलिए एक महीनों में सिलसिला चलने वाला है, 100 रुपए पेट्रोल हो गया है।
बहुत बड़ी महंगाई की मार, अब तो बंद। अरे नहीं, सबसे बड़ी बात यह है लोगों को जी, और आप संजय जी आप दोनों से ही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है देश दो बड़ी चीजों से जूझ रहा है, एक तो कोरोना। संजय जी आप भी सुन लीजिए, के नेता अरे बीजेपी के नेताओं के पास मुद्दे नहीं है, अमित जी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे अविनाश जी वो। अमित जी मेरी बात तो सुनिए संजय जी, सीधी सी बात है, इस वक्त देश और प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, इस वक्त सबसे दो चीजों से बहुत हमारा देश जो है जूझ रहा है। सबसे पहली तो महंगाई और दूसरा कोरोना। इस माहौल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। ये भी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट मेरी बात के बाद तो जरूरत ही नहीं थी इनकी वैक्सीन के लिए। तो संजय जी जरूरी ये भी है कि महंगाई के मुद्दे पर लेकर जो केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार की तरफा गिरी हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात है, योजनाओं कि नाकामियों या उपलब्धियों की बातें उस पर ज्यादा चर्चाएं होती हैं, लगातार यही सब कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, नितिन जी क्या कहेंगे? अरे आंकड़े छुपाने पड़ रहे हैं आपको, गंगा में बहती हुई लाश और नितिन जी आप क्या कहेंगे? आप अपने वो लोगों के पोस्ट हटवा रहे लेकिन जलती हुई चिताओं की वो लपटों को कैसे छुपाएंगे? संजय जी जनता को वो भी बता दीजिए। चलिए अब आप पूरी तरीके से फेल है समय जो है निरंकुश सरकार और आपके हुक्मरान। चर्चा का समय समाप्त हो गया है और ये ऐसी बहस है कि जब केंद्र में किसी दल की सरकार हो, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार हो, तो इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप और विरोधाभास के मंजर तो दिखाई देते हैं, लेकिन मूल मुद्दों से हटकर जो है इस वक्त सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। महंगाई का मुद्दा हो या कोरोना से लड़ने की बात हो, उस पर कोई बात ना करके जो है अन्य मुद्दों पर या बयानों पर लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष ज्यादा हो रहे हैं, जुबानी जंग ज्यादा चल रही है और ढाई साल के कार्यकाल को लेकर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी मुखर है और सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिना रही है। आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की सियासत में यही सब कुछ और कुछ देखने मिलेगा, ये कहना गलत नहीं होगा।